हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग सपना में। देखिए, मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ हेयर ऑयलिंग की, जो मेरी दीदी अपने बालों में तेल लगा रही है। कैसे लगा रही है, क्या लगा रही है, आप लोग देखिएगा। आप लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर ये आप लोगों ने पूछा था कि दिखाई बताइएगा कि कैसे, मतलब ऑयल है, कितने लंबे बाल हैं। तो देखिए, एक दिन मैंने आपको दिखाया था, दीदी ने ड्राई हेयर कॉम्बिंग किया था अपने ड्राई हेयर में। आज अपने बालों में वो तेल लगा रही है, मसाज कर रही हैं, इसका वीडियो मैं बना रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए, इनके बाल पूरे झड़ चुके हैं, जो बचे हुए बाल हैं ये हैं। इनके बहुत ज़्यादा घने बाल थे, बहुत ज़्यादा घने थे, उतने तो अब हम लोग के भी नहीं हैं, बट अभी झड़ते झड़ते इतने बचे हैं बाल। आप लोग से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और प्लीज़, जो मेरी वीडियो को पहली बार देखेंगे, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो पहली बार देखेंगे वो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और जो है लाइक करके आप लोग बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। देखिए, इनके बाल ये झड़े हुए बाल हैं, इतने ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा है, लगता ही नहीं कि इनके बाल झड़ गए हैं, बाल ही नहीं बचे हैं। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरी वीडियो कोई नहीं बनाता था कि मैं दीदी की वीडियो बना रही हूँ, और आप लोग को अच्छे से दिखा रही हूँ। आप लोग कहते हो ना कि अच्छे से दिखाइएगा। ये इनके झड़े हुए बाल हैं, आप लोग देखिए। मैं लगातार क्या बोलती रहूं, आप लोग को दिखा रही हूँ दी के बालों की लेंथ और हेयर मसाज, हेयर ऑयलिंग। देखिए, ये इनके बाल हैं, झड़े हुए बाल हैं। आप लोग सोचेंगे कि कहाँ झड़े, सच में बहुत ज़्यादा बाल थे, बहुत ज़्यादा, एक हिस्सा बचा है। ऐसे आप लोग समझ लीजिए, 1 रुपये में 75% बाल झड़ चुके हैं, 25% बाल बचे हैं। इतना ज़्यादा घना बाल था, इनके बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगता था, कंघी नहीं होती थी जल्दी, फिर भी मतलब इनके और लंबे भी बहुत ज़्यादा थे, अब तो बहुत छोटे हो गए। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, आप लोग को दिखा रही हूँ मेरे को हेयर ऑयल मसाज कैसे करते हैं। हम लोग अपने बालों में ऐसे ही तेल लगाते हैं, पहले मैं लगाती थी दीदी खोल के अपने बालों में तेल लगाती, पहले हम लोग लगाते थे तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके तेल लगाती थी, थोड़ा थोड़ा बाल लेके। हाँ दीदी, तो ऐसे ऐसे लगाती है। पूरा ऐसे क्या होता है कि जड़ में आराम से तेल लगे था, पूरा जड़ में, और तेल हमेशा जड़ में ही लगाना चाहिए, पूरे बालों में नहीं लगाना चाहिए। पहले मैं लगाती थी तो पूरा बालों में तेल लगाती थी, जड़ में भी लगाती थी, और पूरे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगता था हम लोगों का। बट अब ये आ गया समझ में कि बस जड़ को ज़रूरत होती है तेल की, जैसे पेड़ को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे बालों को बस तेल की ज़रूरत होती है, वो भी जड़ में डालते हैं, पूरे बालों में नहीं लगाते हैं। जिसको अच्छा लगता है, जिसको लगता है मैं ज़्यादा ऑयल लगाने से बाल वो होते हैं, तो अपना लगा सकते हैं। अपने इनके बाल बहुत झड़ते, देखिए बाल निकलते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। देखिए, अभी भी झड़ रहे हैं, निकल रहे हैं बाल, फिर भी हैं, कितने बाल झड़ जाएंगे लेकिन इनके बाल रहेंगे। बहुत ज़्यादा पतले होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इनके बाल बहुत घने हैं, बहुत। देखिए, इतना झड़ने के बाद भी ये बाल, पता चल रहा है आप लोग के बाल झड़े हुए हैं। तो पीछे वो करो, अपना बाल पीछे करो सारा। मम्मी बोलेगी जरूर, मम्मी को लगता है कि बाल खाना में पड़ जाएगा तो खराब हो जाए। डाली दिखाओ तो थोड़ा सा खड़े होके, अभी मैं दिखाती हूँ कि बालों की लेंथ आप लोगों को, बाल कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग पूछते हो ना कि क्यों बाल झड़ते हैं, आप टेंशन नहीं रखाइए, वो तो डाल दी, इसको सही करो। राइट, थोड़ा मुड़ो ऐसे करके मेरी तरफ, मतलब ऐसे पीछे पीछे उधर उधर में करो, ऐसे रहो, सीधा खड़ी हो जाओ, फिर मतलब उसको बालों पर सही से करो, ऐसे ऐसे करके। देखिए, ये इनके झड़े हुए बाल हैं, जो पूरे अभी आप लोग देख सकते हैं। वो अपना डाली दी जो पीछे बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ जूड़ा बना के दिखाओ, ऑयली हेयर बन का जूड़ा बनाओ।
मेरी दादी जी जूड़ा बहुत अच्छा बनाती है मेरी दीदी, लेकिन मैं वैसे नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो लंबे बालों को ज़्यादा उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना ये वाला बनता है। ये बहुत अच्छा जूड़ा बनाती हैं और ये लगा के आपको जूड़ा बना लो, ये वाला जूड़ा कितना अच्छा, ये खुलता भी नहीं है, चाहे रबड़ लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ चाहे क्लचर लगाओ कुछ भी, ये खुलता ही नहीं, मैं नहीं बना पाती हूँ ऐसा। दी से सीखा बट मेरे को आ नहीं रहा, ट्राई करती रहूँगी तो बताऊँगी। देखिए इनके इनका जो है बैक साइड बन, जो आप लोग बोलते हैं ना जूड़ा बन गया, और आगे से देखिए पूरा अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ वो लाइक पहली बार देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब से मेरा सपोर्ट होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ज़्यादा वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्त फ्रेंड्स फैमिली से शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।